कहते हैं अनमी और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आई थिंक एक दो दिन पहले एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि मैंने मेरे पास तीन गानों की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, बहुत ज्यादा आ रही थी, तो मैंने पूछा था कि मैं किस पे रिएक्ट करूं। तो आप लोगों को जो सबसे ज्यादा वोट्स थे वो यलगार पे थे, तो इस वजह से अभी मैं पहले सबसे पहले यलगार को ही यलगार पे ही रिएक्ट करूंगी। और जो लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार आप रिसेंट चीजों पर रिएक्ट किया करो, तो यार हम लोगों का जो रिएक्शन है वो हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सी वीडियो ट्रेंड में चल रही तो हमने कर दी। हम लोग देखते हैं कि ऑडियंस हमारी क्या देखना चाह रही है, जिस हिसाब से रिक्वेस्ट होती है उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। अगर आपको रिसेंट चीजों पर रिएक्शन देखना है तो आप हमारी और वीडियोस को चेकआउट करो, कुछ हमारी वीडियोस रिसेंट चीजों पे भी हैं। तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो अभी आप बंद कर सकते हो, फिर बाद में मत बोलना। एंड या अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें अगर आप देखते हैं। आपको इतना सभी मतलब अगर आपको 1% भी पसंद आ रहा है हमारा रिएक्शन तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रॉप इट। Honestly speaking, ये यलगार आया तो पहले था बट मैंने अभी तक सुना नहीं है। ये वन ईयर अगो आया था ये। इसकी बैक स्टोरी अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं थोड़ी बता देती हूँ। इसकी बैक स्टोरी ये है कि इन्होंने एक इन्होंने वीडियो डाली थी जिसमें टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का चल रहा था काफी। तो उन्होंने उस पर एक वीडियो बनाई थी जो वीडियो जो है ना वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली थी, या तो कर भी चुकी थी या करने वाली थी, ये नहीं मुझे पता। लेकिन एंड मोमेंट पर वो वीडियो कर दी गई डिलीट बाय यूट्यूब, और जिस पे इनके फैंस और इनके ये जो है काफी सैड इनका रिएक्शन था, और इनके फैंस भी काफी इस बात पर सैड थे कि यार ये क्या हो गया। तो उसके जवाब में फिर उन्होंने यलगार सॉन्ग, मतलब ये रैप है तो रैप यलगार के बारे में बहुत सुना है बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक और इस पे व्यूज इतने हैं कि बड़े बड़े गानों पे नहीं होते। खैर लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ यूट्यूब ये 50s में भी था सॉन्ग। कैसे हैं आप लोग? कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। इनका ही लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरो देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों का मुझे तो अच्छा लगता है। क्यों बेचारे की वीडियो जो है इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। असली दुनिया में क्यों इनको जीना नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले करके खून पीना सही। हाँ इनमें फर्क नहीं, इनका गलत भी सही, तभी तो इनकी अपनों से भी बनती नहीं। रीच 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 इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज। बीट 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 इनको करूंगा बीट, बीट 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 मेरा कंटेंट है ही। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बीमारी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है
फॉलोइंग है उनकी, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की जो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। यलगार हो, यलगार हो। मतलब जो उन्होंने कहना था वो भी कह दिया, और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि गाने की फॉर्म में है। हाँ, रैप की फॉर्म में, और इतना अच्छे लिरिक्स थे कि भाई आपको इंग्लिश में लोग बहुत ज्यादा गालियां देते हैं वो तो कूल लगता है, और हिंदी वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे लगते हैं कि भाई क्या बता। और इंडिया में ये एक यूट्यूबर है जो आई थिंक अपनी स्टाइल की वजह से काफी लोगों में पॉपुलर है। इनका ये डायलॉग काफी फेमस है, और इनकी काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है इनकी अगर देखा जाए तो। जो टॉप 50 हमने यूट्यूब सॉन्ग्स देखे थे उनमें भी था इनका गाना, और इट वॉज अमेजिंग। मतलब एक होता है आप बना रहे हो, रैप बना रहे हो, एक होता है आप सिचुएशन के हिसाब से सारे लिरिक्स, इनके इतने कोई कमाल के लिरिक्स थे, और म्यूजिक इनका तो मतलब एक टीवी एक्टर और मूवी एक्ट्रेस के गानों के ऊपर जो है उतने व्यूज नहीं है जितने इनके जो है वो गाने पे है, ऑफ कोर्स। और बाकी वो जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से जो इन्होंने बहुत अच्छी अपनी फीलिंग्स को सॉन्ग्स की फॉर्म में ढाला है, दैट इज सो अमेजिंग। और लोगों ने उनको इतना प्यार दिया है और देना भी चाहिए। मैं यही सोच रही थी कि इस गाने में कुछ तो ऐसी बात है जो उसके ऊपर इतने व्यूज हैं और इतने लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। इट्स एक्चुअली अ रिएक्शन अबाउट बट लाइक हाँ इट्स एक्चुअली अ रिएक्शन, क्योंकि वो वीडियो डिलीट कर दी गई थी तो फिर वो इनके फैंस काफी सैड हो गए थे कि क्यों हुई है। बट इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा प्यार मिला, इतने लोगों में पॉपुलर होना, आपको अराउंड द ग्लोब लोग जाने, इंडिया में आपको इतना फेमस आपका हो जाना, पाकिस्तान में हो जाना, तो बहुत बड़ी बात है। बंदे की पर्सनालिटी में दम होता है तभी वो इतना ज्यादा फेमस होता है, ऐसे तो नहीं हो जाता ना कोई भी। तो उनका स्टाइल काफी डिफरेंट है, रोस्टिंग बहुत से चैनल्स करते हैं, डिफरेंट चैनल्स करते हैं, बट जो इनका स्टाइल है This is so amazing. कोई कॉपी भी नहीं कर सकता इनको, कॉपी भी करेंगे तो इनका वाली बात, इनकी वाली बात नहीं आती। तो ये जो है वो काफी अच्छा था, मुझे तो बहुत मजा आया। I really like this song and I really love वैसे this ये raps song. नहीं सुनती लेकिन इसको भी ये पसंद आ गया, मतलब कमाल है। अब मुझे तो आया ही आया, रैप के फॉर्म में नहीं ले रही थी मैं उसको, गाने के फॉर्म में मतलब ये रिएक्शन ले रही थी उसे, समझ गई। आपने एंजॉय किया होगा और हमें भी देखा होगा कि कितना हमने इस गाने को एंजॉय किया है। तो अगर आपने भी इंजॉय किया है और आप कैरी मिनाटी के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस तरह के किसी और वीडियो के ऊपर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।